वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। क्रिएटिव चैनल में आपको खुश आमदीद। क्रिएटिव चैनल में आप बहुत ही दिलचस्प और ज़बरदस्त वीडियो देख सिखाएंगे कि किस तरह चेहरे के ऊपर जो पिंपल्स और डॉट हैं, ब्लैक डॉट, इनको कैसे रिमूव किया जाता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जो लोग फोटोशॉप को जानते हैं वो तो बड़ी आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं, तो जो नहीं जानते वो देखें और सीखें। तो अगर कहीं से आपको नहीं मुझे बताएं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, मेरे पास एक इमेज है इनके चेहरे के, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं। इनके चेहरे के ऊपर अच्छे खासे पिंपल्स और डॉट बने हुए हैं, तो हम इनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखें, काफ़ी बड़े बड़े पिंपल्स और ब्लैक किस्म के स्पॉट डॉट बने हुए हैं, ये वाले, और ये पिंपल्स हैं। काफ़ी मसलन काफ़ी इनका चेहरा अच्छा खासा भरा पड़ा है, लगता है किसी पता नहीं किस ब्यूटी पार्लर से अपना बेड़ागर करवा दिया इन्होंने। चले आज हम इसको रिमूव करते हैं। तो इनको कैसे रिमूव किया जाता है, हम शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे एक बहुत ही ज़बरदस्त और ही पावरफुल एक टूल है, यहाँ पर एक स्पॉट हीलिंग ब्रश, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेयर को सिलेक्ट करके स्पॉट हीलिंग ब्रश को क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो इसका जो सर्कल साइज़ है थोड़ा छोटा ही रखेंगे, ठीक है। और इस बात का श्योर कर लें कि यहाँ पर हमारे पास जो टाइप में कंटेंट अवेयर चेक होना चाहिए, बस ये सिलेक्ट होना चाहिए, यहाँ स्पॉट हीलिंग ब्रश कंटेंट अवेयर और इधर से लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। तो जस्ट हम इसको करेंगे क्या है कि जहाँ जहाँ हमें ये मसले नज़र आ रहे हैं, इनको इनके ऊपर हम माउस से जस्ट क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो देखें, ये बड़ी आसानी से इनके जो पिंपल्स, स्पॉट और ब्लैक कलर के जहाँ जहाँ कहीं मसले बने हैं, उनको ऊपर आपने क्लिक करना है और थोड़ा सा ड्रैग करना है, तो इनके ये रिमूव होते जाएंगे बहुत आसानी के साथ। देखें, मैं क्योंकि अब इतनी जल्दी जल्दी काट वो रिमूव हो चुके हैं। अब जहाँ जहाँ आपको मसला नज़र आता है वहाँ पर आप इसको जाकर इसको रिमूव कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अगर कहीं से आपको पता नहीं चलता कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसको कैसे रिमूव किया जाता है, मैं आपको इसका रिप्लाई और जवाब ज़रूर दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सीखें। तो मैं ज़रा थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बन जाए। तब तक आप इस म्यूज़िक एंजॉय करें। जी, तो इनके चेहरे से काफ़ी हद तक पिंपल, स्पॉट और जो काफ़ी मसले थे इनके चेहरे से काफ़ी रिमूव हो चुके हैं। तो अब इनका चेहरा काफ़ी पहले से साफ और क्लियर नज़र आ रहा है। अब हमने क्या है कि यहाँ पर जाएंगे अपनी लेयर के ऊपर, इस पर डबल क्लिक करेंगे ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, तो ये हमारे एक बहुत ही खौफनाक किस्म की एक हॉरर मूवी की तरह एक शक्ल बनी हुई है। बड़ा डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम यहाँ पर पहली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे विविड लाइट को सिलेक्ट रखते हुए हम ये इधर जाएंगे फिल्टर में। फिल्टर से हम करेंगे इसको अदर हाई पास में हम इसकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो इनके फेस के ऊपर कुछ डिटेल्स हैं हम उसको थोड़ा सा वाजिया करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर इनकी जो रेडियस है इनको मैं करूँगा तकरीबन 1.5 इनफ है।
मैं 1 पॉइंट के पे इसको ओके कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं दोबारा फिल्टर में जाऊँगा, ब्लर, गॉशियन ब्लर, गॉशियन ब्लर में मैं इसको दोबारा थोड़ा सा फिल्टर 1.2 1 पॉइंट, इनको मैं इनको कर रहा हूँ 0.2 इनफ है। मैं इसको ओके कर रहा हूँ। इसको अब थोड़ा सा मज़ूम ये करेंगे कि इसके जो ये हम ऊपर वाली जो पहली लेयर है इसको कंट्रोल इनको सेलेक्ट रखते हुए हम यहाँ पर नीचे से जो ये इसका मास्क है ऐड मास्क ऐड लेयर मास्क इस पर क्लिक करेंगे, ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह की एक ब्लैक लेयर शुरू हो, इस तरह की एक ब्लैक मास्क जो है वो शुरू। तो हमने ब्लैक मास्क को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पर जस्ट क्या करेंगे, थोड़ा मैं जूम आउट कर दूँ ताकि आपको पता चले कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ हम करेंगे क्या, ब्लैक मास्क को सिलेक्ट रखेंगे, इधर हम ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर श्योर ये कर लें कि ये हमारी जो वाइट पार्ट है वो ऊपर होना चाहिए। ब्लैक मास्क को सिलेक्ट रखेंगे, ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और वाइट वाल जो पार्ट है इसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, ब्लैक नीचे और वाइट ऊपर। अब हम ब्रश से इसको इनके जो चेहरे के ऊपर ब्रश थोड़ा थोड़ा बड़ी स्मूदगी से मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा हो गया, यहाँ से हम इसके फ्लो को थोड़ा सा कम कर देते हैं और यहाँ पर ओपेसिटी को भी कम कर देते हैं ताकि हमें कुछ रियलिटी में चीज़ें नज़र आए। अब यहाँ पर इनके चेहरे के ऊपर आस्ता सब जैसे पेंट करते हैं इनको फेरना शुरू कर दें ब्रश, आप देखेंगे कि इनके चेहरे के ऊपर पहले से ज़्यादा शाइनिंग और सफाई नज़र आ रही है। तय है कि इनको कम ज़्यादा करना पड़े तो कर दीजिएगा। और यहाँ पर इनके जो ब्रश का साइज़ भी है उसको भी ज़रा छोटा बड़ा जहाँ आप समझते हैं कि होना चाहिए वो आप कीजिएगा। ये देखिए जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि इनके चेहरे से यहाँ से कुछ क्लियर होना चाहिए वो मैं वहाँ से वहाँ ब्रश को इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ मैं इसका ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा करके इनकी आँखों के पास जाकर इनको थोड़ा सा यहाँ पर जो आईब्रो है और इनको आँखों के पास जी आपने नोट किया होगा कि ये तो काफ़ी हद तक इनके चेहरे के ऊपर से जो पहले मसले थे वो रिमूव हो चुके हैं और ये काफ़ी हद तक इनके चेहरे पे एक शाइनिंग सी और ज़बरदस्त। ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ जी। ये देखें पहले इनके फेस के ऊपर इतनी ज़बर ज़्यादा थे निशान के ये मसल देखने में बहुत ही, तो आपने बड़े आराम से अपनी किसी भी इमेज को इसके लुक को बेहतर बनाने के लिए बड़े आराम से इसको इस्तेमाल करना है, स्पॉट किलिंग ब्रश को इस्तेमाल करना है और ब्रश को। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नई वीडियो।